आपके घर में अगर कोई नई लड़की है जो अभी पढ़ाई कर रही है, उसको मोबाइल चलाने आता है, तो आप उसको जन सुराज के परिवार का हिस्सा बनवा दीजिए और उसको मोबाइल के जरिए घर में बैठ के 8 से 10 हजार रुपया महीना कमाने का जुगाड़ अगले 3-4 महीने में प्रशांत किशोर करके आपको देंगे। होना आपके घर में अगर कोई नई लड़की है, यानी कोई जवान लड़की है और वो मोबाइल चलाना जानती है, तो जन सुराज से जुड़िए और 8 से 10 हजार रुपया कमाने का जुगाड़ हम कर देंगे। राजनीति में बिहार को बदलने का सपना लेकर के चलने वाले प्रशांत किशोर नौजवानों को किस तरह से ऑफर कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि ये बैंकिंग MBA कंपनी वाली कोई पार्टी है जो ये कह रही है कि आप इतना काम करके दीजिए तो हम आपको इतना पैसा देंगे। बताइए राजनीति में कौन ऐसी पार्टी है, कौन ऐसा राजनेता आपको मिलेगा जो ये खुले मन से ऑफर करता हो कि हम आपको एक मोबाइल देते हैं, आप हमारे लिए प्रचार प्रसार कीजिए और इसके बदले में हम आपको सैलरी देंगे, हम आपको तनख्वाह पर रखेंगे। यानी एक तरह से सियासत में बिजनेस या बिजनेस की सियासत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर राजधानी पटना में महिलाओं को संबोधित कर रहे थे, उनकी किस्मत बदलने को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन इसमें वो ये कहते नजर आए कि बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस को कैसे फैलाया जा सकता है, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, उसके लिए वो लोगों को बता रहे हैं कि आप बताइए आपके घर में कोई जवान लड़की है जिसको मोबाइल चलाना आता हो। अगर वो जवान लड़की मोबाइल चलाने का हुनर जानती है तो जनसुराज ये गारंटी लेता है कि 2-3 महीने के अंदर हम उनको सेट कर देंगे, उस मोबाइल से मेरे लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रचार प्रसार कीजिए और हम उनको 8 से 10 हजार रुपया देंगे। भारत की पहली कोई ऐसी पार्टी होगी जो कार्यकर्ताओं को पैसा के नाम पर जोड़ रही है। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आखिरकार इस व्यक्ति के पास इतना पैसा है कहां से आया, इतना करोड़ों रुपया कैसे खर्च हो रहा है। हर इतवार को यानी हर रविवार को, हर संडे को राजधानी पटना के सबसे महंगे सेमिनार हॉल में प्रोग्राम होता है और वहां पर लोगों को बुलाया जाता है, समझाया जाता है किस्मत बदलने के लिए। लेकिन अब जो तस्वीर उनकी आई, जो उनका भाषण आया, उससे लोग समझिए कि एक तरह से उनको समझने लगे हैं कि दरअसल ये बिजनेस चल रहा है, दरअसल बिहार को बदलने की कोई राजनीति की शुरुआत नहीं है। खुले मंच से खुला ऑफर माइक से और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि आपके घर में जवान लड़की है जिसको मोबाइल चलाना आता हो तो मेरे पास लाइए, हम उसको 10 हजार रुपया कमाने का जुगाड़ बताते हैं। यानी एक तरह से समझिए कि जिस तरह से कंपनियां हैं भारत में जो चलती है, बिजनेस की कंपनियां MBA करने वाले लड़कों को तलाशती है कि मेरा ये प्रोडक्ट बेचवा दीजिए, कंघी बेचवा दीजिए, तेल बेचवा दीजिए, साबुन बेचवा दीजिए तो आपको इतना परसेंटेज मिलेगा या आपको इतनी सैलरी मिलेगी, उसी तरह से प्रशांत किशोर को सोशल मीडिया पर लोग निशाना बना रहे हैं कि देखिए खुल करके सारी चीजें सामने आ रही है, पर्दे के पीछे जो चीज है दरअसल ये बिजनेस करना ही चाहते हैं और लोगों को पैसे के बलबूते पर खरीद करके और कहते हैं कि ये देखिए जन सुराज का काफिला इतना बड़ा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति को पैसा दिया जाता है और पैसा कहां से आता है ये सवाल अब भी बरकरार है।